मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक और मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, लेकिन युवती ने वीडियो वायरल कर एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़की के मंदिर में जाकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह किया। मंदिर में शादी के वीडियो वायरल हाफिजगंज थाना क्षेत्र के रिठौरा कस्बे का है, जहां एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर रही है। मंदिर में पंडित जी ने वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा दोनों का विवाह कराया, जहां अग्नि के सामने सात फेरे लिए गए। पति ने पत्नी की मांग में सिंदूर भरा, मंगलसूत्र पहनाया। दोनों ने पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। मंदिर में शादी के बाद लड़की ने एक वीडियो वायरल करके एसएसपी बरेली से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। लड़की ने वीडियो वायरल से कहा कि एसएसपी साहब, मैं बालिग हूँ, बचपन से हिंदू रीति रिवाजों को मानती हूँ। मैंने अपने मर्जी से पंकज शर्मा से शादी की है। पंकज शर्मा के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। कृपया मेरे पति और दोस्तों को परेशान न किया जाए। वहीं इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाल का कहना है कि इस तरह के जितने भी मामले होते हैं, लड़का लड़की अलग अलग धर्मों के होते हैं, जो मुकदमा दर्ज कर लड़की के कोर्ट में पेश किया जाता है, 164 के बयान करवाए जाते हैं। हालांकि इस मामले में कोई एफआईआर नहीं की गई है। अभी नए धार्मिक कानून को लेकर बात आती है कि उसके अंतर्गत लोग एफआईआर कराते हैं। इस तरीके के संवेदनशील मामलों को किस तरीके से आप लोग टैकल करते हैं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे और कम्युनल हार्मनी और देश में शांति भी रहे। जैसे काफी मामले आते हैं जिसमें दो अलग अलग समुदाय के लोग एक दूसरे से शादी करते हैं, उसके बाद कई बार उनके परिवार वाले इसके खिलाफ होते हैं। इसमें जो सामान्यतः जो परिवार है उसके द्वारा मुकदमा लिखा जाता है, और इसमें इसके बाद जो अगर लड़का या लड़की दोनों अगर बालिग हैं और उनकी अपनी स्वतंत्र उनकी मर्जी से अगर वो ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें उसके बाद उसमें न्यायालय में बयान कराए जाते हैं, और उसके बाद न्यायालय में बयान कराने के बाद जो भी वो वहाँ पर अपना बयान देते हैं, उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई उसमें तय होती है। क्या हाल में इधर कोई ऐसे मामले आए हैं किले में, प्रेमनगर, बारादरी में? थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे इसके बारे में। क्या इसमें अलग अलग जैसे मामले आते हैं, दो अलग अलग समुदाय के जैसे मामले आते हैं, तो इसमें सामान्यतः अगर जैसे लड़की का बयान पहले इसमें 164 सीआरपीसी में मैंडेटरी होता है, और उसके बाद 164 जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।